हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआरटीएस ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस लेसन नंबर 12 स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स पार्ट नंबर 4। टुडे इज द लास्ट वीडियोस ऑफ दिस लेसन स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। आज हम क्या पढ़ेंगे, देखिए हमने बुक्स पढ़ा था परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेज बुक का क्वेश्चन हो चुका है, सेल बुक का भी हो चुका है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का भी हो चुका है, लेकिन आज हम दोनों बुक का एक फिर सवाल करेंगे जो दोनों का एक ही क्वेश्चन में और जर्नल प्रॉपर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या पढ़ेंगे आज, इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हम लेंगे जिसमें परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों को दिखाया जाएगा, और एक पढ़ेंगे हम जनरल प्रॉपर जिसके अंदर की जाएगी। ओके, चलो हम एक इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7। सबसे पहले मैंने बताया था फॉर्मेट, देखिए फॉर्मेट कैसे बनता है, देखिए फॉर्मेट कैसे बनाया जाएगा। हम दोनों का फॉर्मेट अलग अलग बनाते हैं और उसमें कैसे कैसे लिखते हैं, कितने कॉलम बनाते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 10 कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं परचेज रिटर्न बुक का, जिसे रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। डेट, पार्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स, परचेज, CGST, SGST, IGST, टोटल। नंबर एक डेट, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर नेम ऑफ द सप्लायर, सप्लायर अकाउंट टू बी डेबिटेड, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स, परचेज रिटर्न, CGST, SGST, IGST एंड टोटल अमाउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके, होल इज द मे बी, यहाँ से स्टार्ट इन रुपीज, 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 रुपीज एंड रुपीज, सारे रुपए में होता है। चलो जी, अब हम लेते हैं क्या क्या कुछ। इलेक्शन नंबर 7 देखिए, सबसे पहले 7 मार्च को, सबसे पहले तो आपने देखना है कि आप कहाँ पर, जयपुर, जयपुर राजस्थान में है, 6% और 6% CGST, SGST और 12% IGST। सबसे पहले रिटर्न अरोड़ा एंड कंपनी, तो यहाँ लिख दिया आपने अरोड़ा एंड कंपनी, इज दैट क्लियर। इनवॉइस नंबर अगर दे रखा है तो लिख देना, नहीं दे रखा है इनवॉइस नंबर, क्या हुआ 10 शेयर 2000 के हिसाब से, ठीक है, क्या दे रखा है 10 शेयर 2000 ईच, 10 × 20, डिटेल में होगा 20,000 रुपये। और दूसरा दे रखा है 1 टेबल 5000 की, ये रिटर्न कर दें तो ये होगा 5000, तो 20 और 5 हो गए 25,000। कहाँ रिटर्न किया आपने, नहीं दिल्ली, अब दिल्ली तो भाई जयपुर से आउट ऑफ चलेगा, तो इस पे लगी 12% IGST, इसका अब IGST होगी 3000, तो 25 से 3 हो गया 28,000, 25 तो लिख दिए पचे रिटर्न में, इस दोनों छोड़ दिया, 3000 यहाँ लिख दिए और टोटल होगा 28,000। ओके स्टूडेंट, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, लेकिन इसमें क्या था, 20% की ट्रेड डिस्काउंट थी, तो ट्रेड डिस्काउंट थी तो पहले भैया ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर लो, कितना परसेंट थी ट्रेड डिस्काउंट, 20%, 20% की ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे तो 25 × 50 5000, तो फिर ये 20,000 होगा, और 20,000 का 12% IGST तो 2400 होगा, तो ये होगा 22,400,
20,000 इसमें लिखो और 2400 इसमें लिखो और 22,400 इसमें लिखो। दूसरा क्या है, दूसरा तो शेष रिटर्न का पॉइंट आ गया। देखिए रिटर्न टू अस, हमें लौटाया, तो हमें तो पर्चे रिटर्न कोई होती है, सेल्स रिटर्न होती है। नेक्स्ट आ रहा है 20 तारीख को रिटर्न टू फतेह चंद एंड कंपनी, 20 फतेह चंद एंड कंपनी, क्या लौटा है फतेह चंद कंपनी को, इन्होंने 5 चेयर 1600 रुपए की, 5 चेयर 1600 ईच 1680, ठीक है, कितने की होगी 8,000 रुपए की। इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 10% 800 घटा देंगे तो ये होगी 7200 रुपए। 6% CGST क्योंकि जयपुर की जयपुर में थी ये, तो जयपुर की जयपुर में थी तो 432 ये लग गया, 432 ये ध्यान देना, 432 और 432 और टोटल अमाउंट कितना आ गया ये 8064। तो अब 7200 तो इसमें लिख देंगे और इसमें कितना 432, इसमें लिखेंगे 432, इसमें छोड़ देंगे, इसमें आगा 8064, लो भी इनका जोड़ कर देंगे, जोड़ हमारे पास आ रहा 30,464, इसका जोड़ 2400, इसका जोड़ 432, इसका जोड़ 432 और इसमें से ये जोड़ किया तो आपका ये जोड़ तो आ ही रहा था, इसका जोड़ भी यही आएगा। अरे हमारा जोड़ यही तो आएगा, यहाँ पर 20,000 था, यहाँ 7200 था, तो ये 27,200 आएगा। मैंने क्या कहा, इसका जोड़, इसका जोड़, इसका और इसका यही आएगा, ओके, और इन दोनों का जोड़ ये आएगा। तो ये था परचेज रिटर्न के रिगार्डिंग में। एक सवाल लेते हैं इसी का, सेल्स रिटर्न का क्या बदलना है, PR के जगह SR लिख दो, सेल्स रिटर्न। लो भी मैं इसको रिमूव करता हूँ, ध्यान देना क्या क्या चीज़ बदलेगी। ये स्टूडेंट देखो, वही 10 आपने कॉलम्स बनाने हैं, 10 कॉलम में क्या क्या बदलेगा वो मैं बता देता हूँ आपको, 10 कॉलम में क्या क्या चेंज करना है। चलो इस कॉलम को मैं ए यहाँ पर ले लिया है, ये ऐसे ही सप्लायर की जगह लिखना कस्टमर, और उसका अकाउंट टू बी क्रेडिटेड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था, यहाँ पे डेबिट नोट बोला था ना, सॉरी इसमें डेबिट नोट वहाँ पे आता था, इनवॉइस नंबर तो परचेज में आता था, डेबिट नोट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है क्रेडिट नोट, LF वही रहेगा, डिटेल्स परचेज रिटर्न की जगह सेल्स रिटर्न, CGST ये तो रहेगा, लेकिन आउटपुट एंड टोटल अमाउंट। देखिए वहाँ डेट पर्टिकुलर नेम ऑफ द सप्लायर कस्टमर आएगा, डेबिट नोट की जगह क्रेडिट नोट आएगा, LF का LF रहेगा, डिटेल्स रहेगी, सेल्स रिटर्न अमाउंट रहेगा, CGST आउटपुट रहेगी, SGST IGST एंड टोटल अमाउंट, दिस इज द सेल्स रिटर्न फॉर्मेट आर हियर। अब सेल्स रिटर्न में क्या हो, 10 मार्च को सुभाष फर्नीचर कंपनी फरीदाबाद, अब फरीदाबाद तो हरियाणा में है और आप राजस्थान में हैं, तो यहाँ क्या लगेगी IGST, कितना माल वापस किया आपने, 2 अलमीरा 11,000 की एंड 11,000 ईच, तो कितनी होगी 11×2 22,000। ट्रेड डिस्काउंट है, हाँ 15% ट्रेड डिस्काउंट है, उसको तो लेस कर दो, 15×2 3,300 इसमें से घटा दिए, 0×0 10×3 11×3 18,700। अब क्या लगेगा IGST कितना परसेंट, 12%, 18,700 का 12% IGST कितना हुआ 2244 रुपये, इनका जोड़ कर दो 4,920,944, 18,700 यहाँ आ गया और 2244 यहाँ आ गया और 20,944 यहाँ आ गया, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 25 मार्च को, जहाँ अस लिखा है वो कस्टमर ने माल लौटाया है और टू लिखा तो हमने माल, क्या लौटाया 25 मार्च को, रवि सक्सेना, ये जयपुर की जयपुर में है,
रवि सक्सेना इन जयपुर। तो जयपुर जयपुर में तो सीजीएसटी एसजीएसटी। क्या लौटा है? एक डाइनिंग टेबल 10,000 की और 5 चेयर 2,000 की। एक डाइनिंग टेबल और 5 क्या थी चेयर्स 2,000 ईच। डाइनिंग टेबल 10,000 की थी, ये भी कितने की होगी 10,000 की। 10 और 10 कितने हो गए 20,000। फिर देखो क्या ट्रेड डिस्काउंट थी? हाँ 15% की ट्रेड डिस्काउंट थी उसके ऊपर, तो 15% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे तो कितना होगा 15 × 3,000, तो ये कितना होगा 17,000। ध्यान देना 17,000। अब 17,000 का 6% 6% CGST 6% SGST, तो 1020 और 1020 और इनका जोड़ मैं यहाँ लिख देता हूँ 17,000 1020 और 1020 का जोड़ आ रहा 19,040। कहाँ क्या लिखेंगे? 17,000 तो इसमें, 1020 इसमें, 1020 इसमें, इसमें 19,040। इन दोनों का जोड़ कर देंगे 48993 39,984 रुपये। ये सेम भाई एक ही आइटम है, इसमें तो 2244, इसमें भी एक है 1020, इसमें भी 1020 है, और इसमें क्या था 18,700 और 17,000 18,17 35,700। इसका जोड़ इसका 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 जोड़ ये आ जाएगा। तो ये था हमारा परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के रिगार्डिंग में। आई होप दैट बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। सिर्फ एक क्वेश्चन में दो सवाल दे दिए। पिछली वीडियोज के अंदर परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न का अलग अलग किया था, इसमें एक ही क्वेश्चन 7th में दोनों ही बुक्स पता कर ली। पहले परचेज रिटर्न बुक बना दी, बाद में सेल्स रिटर्न बना दी। अब एक लास्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं जनरल प्रॉपर का। देखो जनरल प्रॉपर में वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर, में एक छोटा उदाहरण बताता हूँ, जो ना तो परचेज बुक में आई, ना सेल्स में, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, वो जनरल प्रॉपर में लिखी जाती है। जनरल प्रॉपर एज वेल जर्नलिज्म एंट्री की तरह होती है, जिसका पर्टिकुलर कोई भी अकाउंट नहीं होता है वो जनरल प्रॉपर में लिख दी जाती है। इलेक्शन नंबर 8 में देखिए 5 मार्च को सुनील से 30,000 रुपये मांगते थे 50,000, जिसमें 40,000 रुपये रिसीव्ड हो गए, बाकी डूब गए। तो 30,000 आपके डूबे तो हम लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुनील। जनरल का फॉर्मेट बनाना है वैसे जैसे आप पढ़कर आ रहे हैं। कितना रुपया डूब गया आपका? 30,000 रुपये। ओके, डेट पर्टिकुलर्स LF, वैसे ही आपने डेबिट और क्रेडिट लिखना है अमाउंट। मैं सीधी आपको जर्नलिज्म एंट्री समझा रहा हूँ। नेक्स्ट, एक मशीनरी थी जो बेची कैलाश को 10,000 रुपये उधार में, तो लेने वाला कौन है? कैलाश। कैलाश डेबिट टू मशीनरी। देखिए डेबिट लेने वाला ये है और जा क्या रही है आपसे मशीनरी, कितने रुपए की जा रही है? 10,000 रुपए की। जर्नलिज्म एंट्री है सेम जो पहले लेसन में पढ़कर आ रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज कैश 10,000 एंड गुड्स, तो कैश की तो एंट्री वहां हो जाएगी और जो गुड्स निकाले हैं उसकी एंट्री हम यहां करेंगे। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखो नगद निकाला वो तो कैश बुक में चलाएगा और उसने जो माल निकाला उसकी एंट्री हम यहां करेंगे 4,000 रुपए। दोज एंट्री नोट रिकॉर्डेड इन द परचेज सेल्स एंड परचेज कैश बुक आर रिकॉर्डेड आर हियर। ओके, 15 तारीख को लॉस बाय फायर, माल जलकर राख हो गया, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 40,000 रुपए का। इंश्योरेंस कंपनी ने उसका क्या किया है कि देंगे क्लेम 25,000 रुपए, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर बोले 25,000 रुपए देंगे हम, पैसे मिलेंगे वो कैश बुक में जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद एक बिल रिसीव हुआ है जो इंडोर्स्ड कर दिया मेहता को। अब देखिए बिल मेहता को भेज दिया है आपने, तो लेने वाला कौन है? मेहता। डेबिट द रिसीवर, तो हम करेंगे मेहता डेबिट टू आपसे क्या गया BR। कितने का BR गया आपसे? 10,000 रुपए का। ये इंडोर्समेंट की एंट्री है, बेचान करना, हमने बेच दिया अपना जो बिल मिला था। उसके बाद क्या है? वेजेस हमने अभी दी नहीं है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू
आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्रेडिट होती है और वेजेस हमेशा डेबिट होती है। कितनी रहेगी? 15,000 रुपये, जिसका आपने भुगतान नहीं किया अभी। प्रीपेड हमेशा एसेट्स हमारी होती हैं और ये डेबिट होते हैं इंश्योरेंस के। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। ओके स्टूडेंट, ये है आपका 2000। और कोई एंट्री रिगार्डिंग ऑफ? कोई एंट्री नहीं है। तो ये थी एंट्रीज ओमी नोटेड। जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होती है वो कैश बुक में दिखी जाती है। जो गुड्स के रिगार्डिंग है वो परचेज बुक में आती है, जो बेची है वो सेल बुक में आती है, जो रिटर्न होती है पीआर पर हमने की है तो परचेज रिटर्न, कस्टमर ने की है तो सेल्स रिटर्न। जो इन बुक में नहीं आएगी उसके लिए रेजिडरी बुक, मे बी दैट इज द जनरल प्रॉपर कहलाती है। जनरल प्रॉपर इज द रेजिडरी बुक है, मीन्स दैट जो किसी पर्टिकुलर बुक्स में नहीं आ रही है सब्सिडरी में, उसके बाद बनाई जाती है। तो यू कैन से दिस इज द मे बी जर्नलिज्म एंट्री एज वेल एज। तो आपने जो भी एंट्री की है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट करना। आपने फॉर्मेट को फिर मैं बता देता हूँ, फॉर्मेट जनरल का आप कैसे बनता है। जिन एंट्रियों करना है आपने पहले भी फॉर्मेट देखे हैं। आपने डेट लिखना है, पर्टिकुलर्स विवरण LF एंड द दिस साइड इज द डेबिट एंड द क्रेडिट, ऐसे आपने लाइन खींचनी है और हेयर द रुपीस। ओके, LF ब्लैंक्स रहेगा, पर्टिकुलर में जो एंट्री मैंने करके दिखाई उनको करना है, डेट के अकॉर्डिंग आप लिखते चलेंगे। नरेशन मैं पहले, नरेशन माने जो एंट्री की है उसका एक छोटा सा सारांश लिखना पड़ता है। जो भी एंट्रीज के अंदर हुई है उसको नरेशन के नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह से लेसन समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अब अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क क्या है आपका, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर, इसमें टोटल 10 इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन आपने 1 to 10 इन द प्रैक्टिस नोटबुक एंड कंप्लीटेड योर लेसन एंड द एक्सरसाइज रिगार्डिंग आल्सो 1 to 10 इन द फेयर नोटबुक। इफ एनी क्वेश्चंस ऑफ द इलस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज, एनी प्रॉब्लम्स, प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। एंड डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं बताता हूँ कि प्लीज़ आप गूगल मीट लाइव क्लास हर स्टूडेंट्स प्लीज़ अटेंड करें। ये आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है, जिसमें आपके डाउट और क्यूरीज को दूर किया जाता है। और हर वीडियोस को प्लीज़ देखें। और आपको बताया गया था 14 अगस्त से पहले प्लीज़ अपने सब्जेक्ट कन्फर्मेशन फॉर्म भरने के लिए प्लीज़ स्कूल में ज़रूर आएँ। तो मंडे को प्लीज़ आप, अगर इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ ज़रूर ज़रूर अपने सब्जेक्ट कन्फर्मेशन फॉर्म, जो स्टूडेंट्स नहीं आए अपने पेरेंट्स के साथ प्लीज़ स्कूल में आकर वो सब्जेक्ट कन्फर्मेशन फॉर्म अवश्य भरें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।